लाखों की अवैध शराब सहित 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा मार्ग का 30 पेटी अंग्रेजी शराब, बुलेरो पिकअप बरामद। पुलिस ने शराब तस्करों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना सदर बाजार पुलिस एवं CIW टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों सहित करीब 2 लाख रुपए कीमत की 30 पेटी अंग्रेजी शराब, 360 बोतल बुलेरो पिकअप व सेंट्रो कार बरामद। SP S आनंद के निर्देश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1/10/2020 को संजीव कुमार SP CT के निर्देशन, प्रवीण कुमार क्षेत्र अधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व अशोक पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार व CIW पुलिस टीम को अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना सदर बाजार एवं अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जी, शराब पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? सर, हमें पुलिस ने कुछ सूचना के आधार पर एक पिकअप गाड़ी और सेंट्रो पकड़ा है, जिसमें 30 पेटी इंग्लिश शराब बरामद हुई है। इनमें कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, पर आज मंत्री और गिरफ्तारी के बाद आवश्यक पुलिस कार्रवाई शुरू की गई। ये शासन द्वारा और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के आदेश के क्रम में ये अवैध शराब का कारोबार तस्करी करने वालों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, उसके अंतर्गत थाना सदर बाजार को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। ये अंतर्राज्यीय तस्कर, उनकी सूचना मिली कि ये एक पिकअप गाड़ी से, जिसमें इन्होंने एक कैविटी बना रखी थी और उसके अंदर शराब रखकर, ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े, ये शराब की तस्करी करते हैं और यहाँ से अन्य प्रांतों में ले जाते हैं हरियाणा से। तो इस सूचना पर पुलिस की गड़ाबंदी हुई और गाड़ियाँ इंटरसेप्ट की गई, तो एक बोलेरो पिकअप बरामद हुई जिसके में कैविटी पाई गई और कैविटी से 30 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, 360 बोतल। और इसके अलावा एक सेंट्रो कार बरामद हुई जिसमें अभियुक्त थे, कुल मिलाकर 5 अभियुक्त इसमें और 5ों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 30 पेटी शराब बरामद की गई है और इनके विरुद्ध आगे विधिक कार्रवाई की गई।